जरूर एक बार 18,000 को ब्रीच कर देगा और 17,900 या 17,950 एक बार जरूर रीटेस्ट होगा। करंट लेवल पे जैसे मानस जी ने भी बताया था कि पुट से ही बेटर है ट्रेड करना, और जो 18,000 का पुट है उसमें भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 118 रुपये के करीब चल रहा है वो ट्रेड पुट, तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। 30 रुपये का एसएल मेंटेन करना है, मतलब यहाँ से 30 रुपये नीचे तो 80-90 रुपये के, 80 रुपये के करीब का जो एसएल है 80-85 का, वो मेंटेन करके हमें लगता है कि इसमें 200 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने पुट के जरिए बताते हुए आशीष बहिती साहब, उनको लगता है 17,950 आपको निफ्टी पर आता हुआ दिख सकता है और इसीलिए उन्होंने 18,000 के पुट को खरीदारी की राय आपके सामने दी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब दिखाइए इंडिया विक्स। जी हाँ, देखिए ये अब 6% बढ़ता हुआ, ये हमारे देश का फियर इंडेक्स है, यानी कि गिरावट में इसमें आप इजाफा होते हुए देखते हैं और ये फिलहाल 6% ऊपर 17.78। डॉक्टर साहब, जो पांच सबसे इंडिसीज हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है, वो भी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दीजिए। हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये सिर्फ निफ्टी लेड फॉल नहीं है, यहां पर आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। निफ्टी का 100 इंडेक्स आपके सामने और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही लाल निशान में है। ध्यान दीजिए, कम से कम स्मॉल कैप इंडेक्स आपको अपने रिकॉर्ड हाई से करेक्ट करता हुआ दिख रहा है। 12,000 को पार आज इसने सुबह किया था और वहां से आपको 2.2% का कट दिख रहा है, लगभग 17,219। अलावा इसके आपने जो गिरावट देखी है वो ऑटो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा देखी है, ये काउंटर आपको 1.8% नीचे चल रहा है, और मेटल्स इंडेक्स 1.7% की गिरावट, 5,785 पर मेटल्स इंडेक्स फिलहाल यहाँ पर गिरावट में ट्रेड करता हुआ। वीरेन जी, चलिए शैल जी, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा सा बताया और हमारे इंडेक्सेस की प्राइस परफॉर्मेंस। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आते हैं आपके स्क्रीन पर जो इस वक्त थोड़ा दिक्कत में है। मदरसन सुमी की रचना जी शॉर्ट कॉल दी अच्छा करती हुई, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पर रोल कर रहे हैं, ओहो लुक एट नेस्ले, नेस्ले 19.426 पर, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन चुना है इसने अगर आप देखें चलने के लिए। जब पूरा का पूरा बाजार अगर आप देखें परेशान है, आपका नेस्ले डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके खड़ा है। राजेश पालवे जी, चलिए कोई तो होगा कम से कम जिसके चेहरे पे आज मुस्कुराहट होगी, नेस्ले का ही इन्वेस्टर क्यों ना हो। 19.412 एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक आया। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस पुल बैक को और आपकी इस स्टॉक पे अप्रोच क्या है? देखिए, मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई बनी, हालांकि स्टॉक में देखे तो एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा था नेस्ले में, लेकिन आज के एक पुलबैक जरूर बना है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये 19,550 19,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस पुलबैक का, तो हमें लगता है 19,600 का लेवल अगर ये निकाल लेता है तो फिर यहाँ से और भी पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अदरवाइज हमें लगता है ये पुलबैक में कहीं ना कहीं वापस सप्लाई बनेगी 19,600 के आसपास। चलिए तो एक बार मैं टेक चेक ले रहा था इस स्टॉक पे, कोई लॉन्ग का व्यू नहीं है याद रखिएगा, बस कि एग्जैक्टली ये डेट के बाउंस है, आज इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बाउंस लिया है। 18116 इस वक्त डे लो पर, निफ्टी अगर आप देखें करीब 200 अंक नीचे है और यस अब